हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी समसामयिकी क्रॉनिकल मैगज़ीन की सीरीज चल रही है और ये आज हम अक्टूबर 2019 का अंक लेकर आए हुए हैं। काफ़ी व्यस्तता रही हमारी, एग्ज़ाम थे, बीसीएस मेंस लगा हुआ था, इस वजह से इसको टाइम से हम नहीं कर पाए, काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको अपलोड कर रहे हैं और आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहला हमारा आर्थिकी का सेगमेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी मंदी का दौर चल रहा हुआ है और सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि किसी तरीके से ये जो वैश्विक मंदी है, ग्लोबल रिसेशन जो है, इससे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए। तो उसी फहरिस्त में जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने 23 अगस्त 2019 को उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है और इसका ये जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से इसको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 70,000, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं इनके लिए 70,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है और 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तथा नकदी की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं। एक तो 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज व नकदी के लिए दिए गए हैं बैंकों को और 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को अतिरिक्त पूंजी दी गई है। तो ये दो पूंजी दी गई, एक 5 लाख करोड़ की, दूसरी 70,000 करोड़ की बैंकों को। दूसरा जो सुधार किया गया है वो ये है कि FPI पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर बढ़ा हुआ सरचार्ज तथा घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज वापस लिया गया है। आवास वित्त कंपनियों के लिए 20,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता, आवास वित्त कंपनियों के लिए 20,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि NBFCs व HFCs यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए आंशिक ऋण योजना के तहत 1 लाख करोड़ CSR यानी कि सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन करने वालों को अब दीवानी मामला माना जाएगा। पहले ये क्रिमिनल इसको एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब अगर कोई इसका उल्लंघन करता है CSR का, तो उस उल्लंघन को दीवानी मामला माना जाएगा। बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए विकास वित्तीय संस्थान यानी कि DFI स्थापित किया जाएगा। DFI स्थापित किया जाएगा किसके लिए? बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए। एंजल कर को हटाने का भी फैसला किया गया है। किसको हटाने का? एंजल कर। सरकार ने स्टार्टअप और उनके निवेश करने वालों के लिए एंजल कर के प्रावधान को हटाने का फैसला किया हुआ है। मोटर वाहन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने पर लगा प्रतिबंध भी हटा लिया गया। मतलब सरकारी जो विभाग होते हैं इनमें जो पुराने वाहन होंगे इनकी जगह पर नए वाहनों को खरीदा जाएगा, ताकि ऑटो जो सेक्टर है हमारा उसको बढ़त मिले, उसमें जो रिसेशन का दौर है उसको ख़त्म किया जा सके। तो कई सारे इन्होंने ये अहम फैसले किए हैं ताकि मंदी से उबारने में सहूलियत मिले। तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 घोषित की गई है और इसके तहत RBI ने रेपो दर में 35 आधार अंकों की कमी कर दी है और रेपो रेट अब हो गया है 5.40, रिवर्स रेपो रेट हो गया 5.15। हालांकि अभी रिसेंट में और भी कम हुआ है, लेकिन ये तीसरी द्वैमासिक में ये निर्णय लिया गया है। रेपो रेट हमारे 5.40, रिवर्स रेपो रेट 5.15 और NEFT की सुविधा 24 घंटे के लिए दे दी गई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि NEFT की सुविधा 24 घंटे जारी करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा दिसंबर 2019 से शुरू की जाएगी। तो ये सारे अहम बदलाव किए गए हैं तीसरी द्वैमासिक समीक्षा में। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष यानी कि NIIF में ऑस्ट्रेलियन सुपर तथा ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान ने $1 अरब का निवेश करने का मन बनाया, घोषणा की है। इस बात की जो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है NIIF ने,
6 अगस्त 2019 को जारी बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सेवानिवृत्त कोष यानी कि सुपर एन्यूएशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर और कनाडा के ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान ने NIIF मास्टर फंड में 1 अरब डॉलर के निवेश को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा हो गया है बढ़कर 430.572 अरब डॉलर। ये 9 अगस्त 2019 का ये डेटा है, 430.572 अरब डॉलर का। RBI ने बदले ATM संबंधी नियम। RBI ने ATM संबंधी कुछ नियम में बदलाव किया है 14 अगस्त 2019 को। तकनीकी कारणों से असफल ट्रांजेक्शन, ATM ट्रांजेक्शन, बैलेंस जानकारी, चेकबुक रिक्वेस्ट का कर तथा कर भुगतान, फंड ट्रांसफर को भी फ्री ट्रांजेक्शन में गिना जाएगा। अभी होता ये था कि अगर आपका किन्हीं कारणवश आप ATM से पैसे निकालने जाते थे और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता था, फिर भी वो काउंट कर लिया जाता था, लेकिन अभी इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये हुआ है। और चेकबुक रिक्वेस्ट है या बैलेंस जानकारी है, इन सबको फ्री ट्रांजेक्शन में गिना जाएगा। तो फ्री ट्रांजेक्शन आपके लिमिटेड होते हैं जो एक महीने में दिए जाते हैं आपको, तो उसी में इनको काउंट किया जाएगा फ्री ट्रांजेक्शन में ही। नेक्स्ट हमारा CSR पर गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। CSR पर गठित समिति, कॉरपोरेट कार्य सचिव इंजेती श्रीनिवास ने 13 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। और इन्होंने कहा है कि CSR पर खर्च को कर छूट के दायरे में लाने तथा इसके अनुपालन नहीं करने पर उसे दीवानी अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई। अभी आपने निर्मला सीतारमण की घोषणाएं भी देखी, उसमें भी इसको माना गया है। और ये जो समिति बनी थी उसी की रिकमेंडेशन पर इसको कहा गया है कि अगर CSR का कोई उल्लंघन करेगा तो उसको दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। फसल उत्पादन के चौथे अनुमान जारी किए गए हैं 19 अगस्त 2019 को। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला डेटा है। कुल जो उत्पादन का अनुमान है वो 284.95 मिलियन टन का रहेगा। 284 ये काफ़ी ज़्यादा है। चावल का उत्पादन 116.42 मिलियन टन रहेगा। गेहूं का उत्पादन 102.19 मिलियन टन रहेगा। दलहन 23.40 है और तिलहन 32.26 है। तो अगर दलहन और तिलहन का देखा तो दोनों अपोजिट, बिल्कुल इसका 23 है, 23 को उल्टा कर देंगे तो 32 हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। दलहन काफ़ी कम हो गया था, एक ज़माने में 17 मिलियन टन रह गया था, उसको बढ़ के हो गया 23 हो गया है, तो काफ़ी बढ़ रहा है। और एक और डेटा है हमारे यहाँ दलहन उत्पादन में, जो भारत है विश्व में नंबर एक स्थान रखता है, उसके बावजूद भी हमें दालों का आयात करना पड़ता है, बाहर से मंगानी पड़ती हैं, खपत ज़्यादा है हमारे यहाँ। पैदावार सबसे नंबर वन पर है लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। तो दलहन 23.40 है और तिलहन 32.26 है। ई कॉमर्स में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों का एक मसौदा जारी हुआ है। अभी दिशा निर्देश नहीं जारी हुए हैं, उनका मसौदा जारी हुआ है। और इसमें कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरीके से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना होने पाए, उनको बचाया जाए और जो कस्टमर्स होते हैं उनके हित में काम किए गए हैं, ऐसे दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया गया है। पहला देखो इन्होंने जो किया है कि इनका ये उद्देश्य है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा विक्रेताओं को पारदर्शी बनाना और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दो चीज़ें लानी चाहिए, ये ऐसी इनका उद्देश्य है। इसमें ग्राहकों के रिफंड के आवेदन को 14 दिन में पूरा करने का नियम शामिल किया गया है। मतलब कोई भी अगर रिफंड संबंधी है तो उसको मैक्सिमम 14 डेज में पूरा किया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दर्शाने और उपभोक्ताओं
की शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। देखो होता ये था कि तमाम जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये तमाम सारी ऐसी कंपनी हैं कि ये अपने ही प्रोडक्ट्स को, तमाम सारे प्रोडक्ट्स को ये उसमें बेचती थी। तो अभी ये कहा गया है कि जो भी इनके सेलर होंगे, जिनके प्रोडक्ट आप वहाँ पे बेच रहे होंगे, उनके सबके आपको नाम दर्शाने होंगे किन किन कंपनियों के आप प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहे हो। दूसरा ये है कि उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उनकी शिकायतों का निवारण किस प्रक्रिया के तहत कैसे कैसे होगा, उसका पूरा ब्यौरा आपको साइट पे देना होगा। तो ये पूरा मतलब ये जो ग्राहक है उनसे संबंधित है, उनकी प्रॉब्लम से संबंधित है, ताकि ईजीली उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो यह शिकायत अधिकारी 1 महीने के अंदर शिकायत निवारण करेगा। मतलब कोई भी शिकायत आती है, कोई भी समस्या को लेकर, ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं ई कॉमर्स से संबंधित, प्रोडक्ट ख़राब है या मतलब समय से रिफंड नहीं किया गया, कोई भी समस्या आती है, तो शिकायत अधिकारी 1 महीने के अंदर उस शिकायत का निवारण करेगा। कोई भी कंपनी अनुचित या भ्रामक प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी ग्राहक को उसका नुकसान होता है, कोई भी ऐसा ही कंफ्यूजिंग कोई स्कीम्स है या कुछ भी है, तो ऐसा कोई भी ना तो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ना ही ऐसा कोई प्रचार किया जाएगा। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में बदलाव किया गया है। देखें, हमारे यहाँ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाई गई थी और बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। उसमें ये था कि जो मानकीकरण था उसके लिए आपको पहले ले जाना होता था कुछ संस्थाओं को, तब वो उस पर आपको लोन मिल जाता था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि इसको सीधे बिना उन संस्थाओं को ले जाके आप सीधे बैंकों को या जहाँ भी गिरवी रखना चाहते हैं वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। 16 अगस्त को ये घोषित की गई, 2019 को। जमाकर्ताओं को सीधे बैंक रिफाइनर या संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र के साथ अपने सोने को जमा करने की अनुमति प्रदान की गई है। और ये असफलता के कारण क्या थे, यह मोटे तौर पर बैंकों की योजना के प्रति उदासीनता के कारण था। इसके अलावा संग्रह हॉलमार्किंग केंद्रों, कलेक्शन हॉलमार्किंग सेंटर से निपटने में बैंकों की व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भी ये योजना असफल रही थी। इस वजह से हॉलमार्किंग जो ये जो सेंटर्स होते थे वहाँ पर ये बैंकों के साथ इनका तालमेल सही से नहीं बैठता था और काफ़ी असुविधा होती थी। इस वजह से ये योजना काफ़ी असफल रही थी और इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये परिवर्तन किए गए हैं। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई है नई दिल्ली में और भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब थे हमारे उद्योग और रेल मंत्री, और केन्या की तरफ से उद्योग व्यापार और सहकारिता मंत्री पीटर मुन्या। इनके बीच में हुई और कई सारे करार पर हस्ताक्षर भी हुए। सूचीबद्ध कंपनियों की डिबेंचर जारी करने हेतु DRR अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है तथा गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए जो DRR है वो 25% की जगह अब 10% कर दी गई है। ये भी बहुत बड़ी घटना है, बड़ा बदलाव किया गया है इसमें। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 19 अगस्त 2019 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFCs, आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली कंपनियों HFCs के लिए डिबेंचर जारी करने के लेकर आरक्षित पूंजी, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि DRR की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता अभी तक क्या होता था कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋण पत्र के जरिए धन जुटाने वाली कंपनियों यानी कि डिबेंचर के थ्रू कंपनियों को डिबेंचर जारी करने को लेकर आरक्षित पूंजी DRR का सृजन करना होता था। मंत्रालय के नियमों में बदलाव करते हुए सूचीबद्ध कंपनियों NBFCs और HFCs के लिए 25% के DRR की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है और गैर सूचीबद्ध मतलब HFCs के लिए और NBFCs के लिए जो 25% की अनिवार्यता थी DRR की वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए DRR की अनिवार्यता को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है। तो ये बड़े बदलाव हैं। रिजर्व बैंक नियामकीय सैंडबॉक्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है। एक नियामकीय है सैंडबॉक्स, उसकी मंजूरी दी गई है।
ओके हाँ, नेक्स्ट हमारा है सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय हो गया है, अभी हाल ही में हुआ था, ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 बैंकों का विलय कर दिया गया है, 30 अगस्त को ये घोषणा हुई थी। विलय नंबर एक में कौन कौन सी बैंक मिलेंगी, ये PNB प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मिलेगा और UPI मिलेगा, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इसको मिलाकर केवल PNB रह जाएगी, यानी कि PNB कौन कौन मिलेगा और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। विलय जो 2 है ये कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिलाकर बनेगा और ये केवल कैनरा बैंक रह जाएगी। विलय जो 3 है वो है यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इनको तीनों को मिला के सिर्फ यूनियन बैंक रह जाएगी। तो इस तरीके से ये 10 बैंकों का विलय होकर केवल 3 बैंक बन रही हैं और ये विलय चल रहा है और इसके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ चीज़ को अच्छी चीज़ भी मान रहे हैं। तो अब ये इस घोषणा के बाद केवल 12 बैंक रह जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की GST घटा दी गई है और इसको घटा के 12% से 5% कर दी गई है, 5% कर दी गई है। राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से कुछ भाषण दिए हैं, और भाषण तो खैर नहीं आता है लेकिन उसके कुछ मुख्य अंश जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ देता है कि उन्होंने क्या क्या कहा, ये चीज़ कही कि नहीं कही, इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। तो आपको मेन चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या है इसमें। तो पहला तो इन्होंने घोषणा की थी कि तीनों जो आर्मी हैं हमारी, मतलब आर्मी है, नेवल है और एयरफोर्स है, तीनों को मिला के एक बनाया जाएगा CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने की, यानी कि डिसीजन मेकिंग में भी सहूलियत मिले और सही समय पर सही निर्णय हो सकें, इसके लिए इन्होंने CDS की, हमारे जो के सुब्रमण्यम साहब थे इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी बहुत पहले 1999 में, और उसी आधार पर इसको बनाने की बात कही है अभी मोदी जी ने अपने भाषण में। दूसरा है जल जीवन मिशन, जल पर बहुत ज़्यादा संकट छाए हुए हैं, चेन्नई का देख ही रहे हैं, और उसी को लेकर इन्होंने जल जीवन मिशन चलाने की बात की है। ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, मतलब जो ईज़ ऑफ लिविंग, आज़ाद भारत की आवश्यकता है और ऐसा माहौल बनेगा, बनाना चाहिए जिसमें दैनिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप, यानी जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए, एवं ना सरकार का दबाव हो ना सरकार का अभाव, मतलब ऐसा भी ना हो कि सरकार बिल्कुल रहे ही नहीं, सरकार नाम की चीज़ ना रहे और दबाव भी ना रहे, दबाव मुक्त समाज रहे बिल्कुल। तो ईज़ ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। ब्लू इकॉनमी, मतलब जो सागर से रिलेटेड, जो सागर से रिलेटेड इकॉनमी है उसको बढ़ाने की बात करें, ब्लू इकॉनमी। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान भी चलाया है इसको, हर ज़िले को निर्यात केंद्र बनाने पर भी एक जोर दिया जा रहा है, और UP सरकार का भी एक ऐसा ही मिशन चल रहा है ना, हर ज़िले का अपना एक प्रोडक्ट होगा और ऐसे ही एक हर ज़िले को अब निर्यात केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 अगस्त को सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया था, 5 अगस्त को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी, 6 अगस्त को लोकसभा की मंजूरी मिल गई थी और 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अभी भी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसका गठन अभी भी नहीं हुआ है, ये अस्तित्व में आएंगी 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाया जाता है उस दिन इसको रखा गया है, डेट बड़ी अच्छी है और शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ के इसको देखा जा रहा है। 31 अक्टूबर को ये प्रावधान लागू होंगे और उसी दिन से दो, ये जम्मू कश्मीर जो था इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख बन जाएगी, जम्मू संघ शासित राज्य होगा और इसमें एक विधानसभा भी होगी, इसका एक उपराज्यपाल होगा, लद्दाख का विधानसभा नहीं होगी, लद्दाख में केवल उपराज्यपाल होगा यहाँ का। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 लाया गया है, 8 अगस्त को इसकी स्वीकृति दे दी गई है, इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। अभी जो हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI होती थी वो देखा गया है कि वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसको उसकी मात्रा सही से वो पैदा करने में अक्षम रही है, पारदर्शिता नहीं थी, कई सारी
चीज़ें थी जो नहीं कर पा रही थी, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 लाया गया है। और इसमें उन जो कमियां थी, पुरानी जो बिल की कमियां थी, उसको दूर करने की बात कही गई है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं देख लेते हैं कि विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह आयोग चिकित्सा यानी कि मेडिकल शिक्षा की उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए नीतियाँ बनाएगा। क्या बनाएगा? नीतियाँ बनाएगा। जो NMC है ये मेडिकल एजुकेशन जो है इसको लेकर, इसकी गुणवत्ता और इसकी जो उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए ये नीतियाँ बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में 25 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 25 मेंबर्स होंगे जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 25 सदस्य होंगे। आयोग स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तथा संबंधित बुनियादी ढांचे समेत स्वास्थ्य जरूरतों तक पहुँच बनाना सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है कि नीट तथा एग्जिट एग्ज़ाम की बात करता है। नीट एग्ज़ाम क्या होगा? नीट एग्ज़ाम जो होगा ये सभी मेडिकल संस्थाओं में स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश के लिहाज से एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि नीट एग्ज़ाम होगा। और जो लास्ट ईयर होगा यानी चौथे साल में जो एग्ज़ाम होगा उसको एग्जिट बोला जाएगा। और ये पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एक साथ एग्जिट एग्ज़ाम किया जाएगा। इसके दो उद्देश्य होंगे, जिनको PG करना है वो PG के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह काम करेगा, जिनको प्रैक्टिस करना है उनको प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट देने का भी काम करेगा। तो ये बड़े अहम बदलाव है, नीट और एग्जिट एग्ज़ाम की बात करता है। अगला पॉइंट है इसी में, मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होगी, MAC बनाने की बात करता है। इसमें राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नुमाइंदे होंगे और NMC को ये अपने विचार और चिंताएं रखेंगे। यानी कि NMC ये तो ये सबसे बड़ी बॉडी हो गई, राष्ट्रीय स्तर पे है, और राज्यों का जो कंसर्न होगा, कुछ भी अगर कंसर्न है, तो ये जो MAC है, MAC के थ्रू ये अपनी बातें रख सकेंगे, अपनी बातें NMC तक पहुंचा सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसी में, मध्य स्तर के प्रैक्टिशनर्स को सीमित समय के लिए लाइसेंस देने की बात की गई है। जो मिडिल प्रैक्टिशनर्स हैं इनको कुछ समय के लिए, इस जो डॉक्टरों का अभाव है, गैप है बहुत ज़्यादा गांव में, शहरों में देखा जाता है, या गांव में भी बहुत ज़्यादा अंतराल होता है, उसको पाटने के लिए ये मध्य स्तर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनको भी सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं। एक इसका जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये है कि 50% से ज़्यादा सीटों से संबंधित जो फीस है या जो भी एडमिशन से संबंधित निर्णय इनके कॉलेजों का ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बड़े बदलाव हैं ये। नेक्स्ट हमारा जो है, गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला कानून है, UAPA बोलते हैं इसको। ये 1967 में आया था और उसी में संशोधन किया गया है। इसमें नंबर एक इसमें जो पॉइंट है वो रखा गया कि संगठन के अलावा अब अकेले व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब पहले होता था कि किसी संस्था को, जैसे शिमी थी या कोई भी संस्था थी, उसको ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, किसी इंडिविजुअल को नहीं। अब इसमें किसी इंडिविजुअल को भी घोषित किया जा सकता है कि हाँ, अगर कोई लगता है कि कोई फंडिंग कर रहा है ना, कोई विचार फैला रहा है जैसे आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर, या आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत पर प्रचार करने वालों, किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। पूर्व में किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। तो ये बहुत ही बड़ा प्रावधान है, इसको लेकर कई लोगों की आपत्ति थी कि किसी को भी ये आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, इंडिविजुअल को। संपत्ति जब्त करने के लिए NIA को महानिदेशक से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। संपत्ति जब्त करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये घोषित किया जाता है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल है, इसका हाथ है, तो उसकी अगर संपत्ति जब्त करने की बात होगी तो किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? NIA का जो महानिदेशक होगा उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इसी में है, आतंकवाद के मामलों में NIA का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी अब जाँच कर पाएगा। तो अब NIA का जो इंस्पेक्टर लेवल का भी अधिकारी जांच कर पाएगा, ये भी प्रावधान है। तो कई सारे नए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 लाया गया है। ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण कानून है, 1986 का कानून है और उसी में ये अहम बदलाव किए गए हैं। तो देखो, जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं वो 6 अधिकार इसमें परिभाषित किए गए हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं? गुणवत्ता संबंधित क्वालिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी संबंधित प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन ही है, अब पता लगता है कि वो इफेक्टिव ही नहीं है, तो इसको लेकर भी एक अधिकार है उपभोक्ताओं का। शुद्धता, प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, मानक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और कीमत, प्राइस को लेकर, यानी कि 6 टोटल अधिकारों की बात की गई है इस विधेयक में, इस बिल में। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण बनाने का बात किया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण के गठन की बात की गई है। जुर्माने की बात अगर देख लें तो कह रहे हैं अगर कोई भ्रामक विज्ञापन, कोई गलत विज्ञापन देता है तो निर्माता और सेवा प्रदाता, मतलब अगर कोई वस्तु है तो उसका निर्माता, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो सर्विस प्रोवाइडर पर 2 साल की जेल होगी, पहली बार में 2 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर दोबारा उल्लंघन पाया जाता है तो 5 साल की जेल होगी और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट जो है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि CDRC की स्थापना की बात की गई है, और ये 3 लेवल पर स्थापित किए जाएंगे, एक तो राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, दूसरे राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और तीसरा जिला लेवल पे। तो CDRC स्थापित की जाएंगी राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल एंड जिला लेवल पे, और सबसे जो मेन बॉडी होगी वो होगी आपकी केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण। ठीक है, तो ये पॉइंट है इसके। नेक्स्ट हमारा है अटल समुदाय नवाचार केंद्र। आपने कुछ दिन पहले अटल टिंकरिंग लैब सुना होगा और अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है, उसी के तहत ये सारे चल रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब थी और उसका दूसरा जो ये घटक है ये चलाया गया अटल समुदाय नवाचार केंद्र। ये नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने 484 पिछड़े आदिवासी दूरदराज जिलों में इसको चलाया है और इनोवेशन को बढ़ाने का इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा है वेतन संहिता विधेयक 2019 लाई गई है और 8 अगस्त को इसकी मंजूरी मिल गई है। संहिता नाम दिया गया है यानी कोड नाम दिया गया है, इसमें कई सारे कानूनों को यानी टोटल 4 कानून हैं इनको समाहित करके एक संहिता बनाई गई है। पहला जो कानून है वो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का है, दूसरा कानून न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का है, तीसरा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का है, तीसरा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का है। इन चारों को मिला के एक कोड बनाया गया है और उसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। यह संहिता सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, कोई भी कर्मचारी हो, उन सब पर ये लागू किया जाएगा। और न्यूनतम वेतन कितना हो सकेगा, न्यूनतम वेतन इसका निर्धारण केंद्र तथा राज्य सरकारें अपने आप करेंगी, समय समय पर करेंगी, और 5 वर्षों के बाद इसमें संशोधन भी कर सकेंगी। मतलब कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए एक कर्मचारी को, इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी अपने लेवल पे और राज्य सरकारें अपने लेवल पे करेंगी, और 5 साल के बाद ये संशोधन भी उसमें कर सकेंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है UGC द्वारा उत्कृष्ट संस्थानों की नई श्रृंखला जारी की गई है। पहले भी ये कर चुके हैं, उसमें जियो इंस्टीट्यूट को लेकर काफ़ी बवाल मचा था, और ये जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं यानी कि IOE, उसकी नए सिरे से अनुशंसा की गई है। इस बार जो किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, 6 उत्कृष्ट संस्थानों की जारी की गई थी पहले, और अभी 14 की फिर से की गई, अब टोटल 20 हो गए हैं। हम टोटल सबको नहीं देखेंगे, कुछ अपने खास खास देख लेते हैं। इसमें से DU है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद विश्वविद्यालय अपना हैदरा तेलंगाना का है, और IIT मद्रास तथा IIT खड़गपुर हैं। ये कुछ सरकारी संस्थाएं हो गई, प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम, VVIT वेल्लूर है, जामिया हमदर्द है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, OP जिंदल विश्वविद्यालय है, शिव नाडार विश्वविद्यालय है, और इसी के साथ टेलीकॉम सेक्टर का सत्य भारती फाउंडेशन का है। तो ये सारे जारी किए गए हैं, ये आपको ये याद रखने, जो सरकारी वाले हैं, DU, BHU हैदराबाद,
IIT मद्रास और खड़गपुर, ये याद रखने की ज़रूरत है। टोटल 20 हो गए हैं, पहले 6 जारी किए गए थे, इस बार 14 जारी किए गए हैं। 4 नए उत्पादों को GI टैग मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, हमेशा कोई ना कोई पूछा जाता है GI टैग। इस बार जो 4 लोगों को दिया गया है, 4 चीज़ें क्या क्या हैं, पलानी पंचार मृथम है, ये पलानी पहाड़ी है तमिलनाडु में, और वहाँ पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के प्रसाद को पलानी पंचामृतम कहते हैं, और उसको GI टैग दिया गया है, कुछ विशेष तरीके से बनाया जाता होगा। तल्लोह पुआन ये मिज़ोरम का एक वस्त्र होता है जो वहाँ मिज़ोरम के लोग धारण करते हैं, कलर्ड होता है, बहुत अच्छा यूनिक होता है एक, उसको भी GI टैग मिला है। और इसी के तरीके मिज़ोरम का ही एक मिज़ो पुआनचई एक वहाँ की शॉल होती है, जैसे कश्मीरी शॉल होते हैं या तमाम अलग तरह की शॉल्स होती हैं, उसी तरीके से मिज़ोरम की शॉल है, पुआनचई नाम है इसका, उसको भी GI टैग मिला है। तिरूर के जो पान है, केरला का में जो तिरूर पड़ता है, वहाँ के पान स्पेशल कैटेगरी के पान होते हैं, उनको भी GI टैग मिला हुआ है। तो ये 4 हैं और आपको ये याद करने हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत होगी, ये जनवरी से होगी, ये 5वां वार्षिक सर्वेक्षण होगा, और फोकस क्षेत्र जो होगा ये गीला कचरे की प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता, अपशिष्ट जल की सफाई तथा पुनः उपयोग, और 3R पर यानी कि रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल तथा ठोस कचरा आधारित वायु प्रदूषण को कम करना, इन पर ये फोकस होगा इनका, और जनवरी से ये चालू होगा। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया है, इसके सर्वे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और इनका जो सर्वे हुआ था 698 जिलों में हुआ था, और 17,500 गांवों को कवर किया गया था, 17,500 गांवों को कवर किया गया था इसमें। भारत सरकार का नेशनल लिबरेशन फ्रंट ट्विप्रा से समझौता हुआ है, भारत सरकार ये त्रिपुरा का है एक्चुअली, ट्विप्रा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ट्विप्रा से समझौता हुआ है भारत सरकार का, तो ये NLFT शॉर्टकट में बोलते हैं, और SDST का मतलब साबिर कुमार देववर्मा, तो इनका ये संगठन था साबिर कुमार देववर्मा इसके सर्वे सर्वा हैं संगठन के, और इनके साथ भारत सरकार त्रिपुरा सरकार तथा इनके संगठन के बीच में एक समझौता हुआ है, और इन्होंने ये जो हिंसा का जो मार्ग था उसको छोड़ के ये मुख्यधारा में आना चाहते हैं, इन्होंने समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 जारी किए गए हैं, और अभी आपने देखा होगा कि नए चालान जब से कटना शुरू हुए तब से लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया ट्रैफिक रूल्स को, और इसको लेकर काफ़ी सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया भी आई हैं। कुछ हम इसके मेन में फीचर्स देख लेते हैं कि हिट एंड रन अगर कोई मामला होता है तो उसमें अगर किसी के हिट एंड रन के मामले में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कम से कम 25,000 या मैक्सिमम 2,00,000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे। गंभीर रूप से अगर चोट आती है मतलब डेथ ने हिट एंड रन के मामले में गंभीर रूप से अगर चोट होती है किसी को तो 12,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जुर्माना अदा करना होगा। मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात की गई है, मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन किया जाएगा, इसका भी इस बिल में बात किया गया है। सहायता करने वाले नेक व्यक्ति यानी कि गुड सैमराइटन्स को कोई दीवानी या अपराधी मामलों में उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा। अभी देखो होता ये था कि कोई घायल व्यक्ति होता था तो वो अगर हॉस्पिटल में ले जाता था तो उसको तमाम तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता था, और कभी कभी उसको ऐसा टॉर्चर किया जाता था जैसा लगता था कि उसी ने अपराध किया हुआ है, तो इससे लोग बचते थे। अगर कोई रास्ते में तड़प रहा है तो कहते कौन इस झमेले में पड़े और आगे निकल जाते थे। लेकिन इसी सब चीज़ों को दूर करने के लिए कि कम से कम कोई अगर कोई असहाय व्यक्ति हो, एक्सीडेंट किसी का हुआ हो तो उसको कम से कम हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके और ये प्रथा ख़त्म हो, ये गलत है, तो उसके लिए ये लाया गया है, उसको कोई भी इस तरीके की उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। अपराध की बात करें अगर ये नए मोटर वाहन जो अधिनियम है उसमें नशे में अगर गाड़ी चलाते वक्त पकड़े गए तो कम से कम 2,000 रुपये लगेगा और मैक्सिमम 10,000 लगेगा, तो ये प्रावधान है और कई सारे प्रावधान हैं। जाम्बिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है और 6 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं जाम्बिया के राष्ट्रपति। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है, दूसरा सूचकांक था 2.0 23 अगस्त 2019 को, इसमें संयुक्त जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, हिमालयी या पूर्वोत्तर
राज्यों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में हुआ। याद रखिएगा, केवल नाम याद रखिएगा, कहाँ हुआ, शिलांग में हुआ। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा पहल एक चालू की गई, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इन्होंने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा पहल जारी की गई है। और इनका यह है कि स्कूल के माध्यम से जो स्कूली छात्र हैं इनको जागरूक किया जाए, और रोज़ प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1 लीटर का अगर पानी बचाएगा तो साल में 365 लीटर होगा, और ये बढ़ते बढ़ते 10 वर्ष में 3,650 लीटर पानी एक आदमी बचा सकता है। तो ऐसे करके ये इन्होंने एक योजना चलाई है पानी बचाने को लेकर, समग्र शिक्षा जल सुरक्षा पहल। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं कि पीएम मोदी